हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे कद्दू सब्जी बनाते हुए दोस्तों दही के साथ में। आगे आप लोग देखिए ब्लॉग के माध्यम से देसी तरीका से बना रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग बाज़ार से ताज़ा कद्दू लाए थे, एकदम ताज़ा है, और इसी को हम लोग अब बनाएंगे। आज काट लेते हैं इसको, पहले देखिए छोटा छोटा कर लेते हैं इसको, काट लेते हैं। और रोज़ की तरह मेरी पत्नी खाना बना रही है दोस्तों, ये देखिए, और इसको काट लेते हैं। देखिए छोटा छोटा टुकड़ा करते जा रहे हैं हम लोग कद्दू को, ये देखिए काट लेते हैं छोटा छोटा। देखिए हम लोग करते जा रहे हैं छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम ताज़ा लाए थे हम लोग बाज़ार से, और सभी को काट लेते हैं छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। देखिए हम लोग सभी को अब काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ा कर लिए दोस्तों, ये देखिए इतना अच्छा काटे हैं, ये देखिए सभी को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए हैं। अब हम लोग खाना बनाना, सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग कद्दू का। आगे आप लोग देखते जाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे देसी स्टाइल में इसको दही के साथ में। ये दोस्तों, अब हम लोग सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तेल डाल लिए कढ़ाई पे हम लोग, और तेल हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम लोग अब फोरन डाल लेते हैं। देखिए इसमें मेथी है और जीरा है हल्का सा, इसको हल्का सा लाल होते तक भूंज लेते हैं हम लोग। हमारा मेथी और जीरा का फोरन अब अच्छा से लाल हो गया है। अब इसमें हम लोग प्याज और लहसुन को भी भून लेते हैं डाल के। ये देखिए इसको भी थोड़ा सा अच्छा से भून लेते हैं। देखिए हमारा प्याज अब लाल हो गया है दोस्तों, प्याज लहसुन। अब हम लोग मखना को धो के डाल लेते हैं, मखना भी बोलते हैं इसको, और कद्दू भी, ये देखिए साफ पानी से धो लिए हैं। और इसको अब हम लोग कढ़ाई में डाल लेते हैं, देखिए भून लेते हैं इसको भी अच्छा से। अच्छा से अब आ गया है हमारा कद्दू, और इसमें अब हम लोग हल्दी मिर्चा नमक मसाला ये सब डाल लेते हैं, अच्छा से भून लिए हैं। नमक डाल लेते हैं, ये देखिए नमक डाल लिए हैं। और अब हल्दी डाल लेते हैं, और ये पीसी मिर्चा डाल लेते हैं, मिर्च चिली पाउडर लाल वाला, ये देखिए। और अब सभी को अच्छा से मिला लेते हैं, ये देखिए। सबको मिला लिए अब अच्छा से, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, और बहुत ही अच्छा लगता है। पम्पकिन भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब हम इसमें टमाटर पीसे थे उसको डाल लेते हैं, टमाटर को पीस के डाले हैं हम लोग, हाथ से मसल के पीसे हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा पकाने के बाद दही को भी डाल लेंगे, देखिए कितना अच्छा आया है इसका तरी भी। और इसमें अब हम लोग हल्का सा पका लेते हैं, फिर दही को डाल लेंगे। देखिए अब अच्छा से पका लिए हैं, अब हम लोग दही को डाल लेते हैं, क्योंकि दही को पहले डालने से थोड़ा सा खट्टापन के कारण पकता नहीं है कद्दू। अब दही को हम लोग डाल लेते हैं,
ये देखिए, और अब इसको पका लेते हैं अच्छा से, फिर उतार लेंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है दोस्तों, और पका लेते हैं हम लोग अब। देखिए दोस्तों, हमारा कद्दू सब्जी अब पक के तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट। और इसे हम लोग अब उतार लेते हैं चूल्हा से। यह देखिए, उतार लिए हम लोग सब्जी को, देखिए उतार लिए हैं चूल्हा से हम लोग, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।